आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 11 जैविक खाद एवं जैव उर्वरक से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में अपन ने जैविक खाद के बारे में अपन ने कंप्लीट बात कर ली है और जैव उर्वरक के बारे में भी अपनी कंप्लीट बात हो चुकी है। इनके उपयोग, जैव उर्वरकों के उपयोग और उपयोग में सावधानियों से संबंधित बातें अपनी हो चुकी है। अब बात करेंगे अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है हरी खाद, यानी कि हरी खाद का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से इसको प्रयोग में लाया जाता है, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, इन सभी के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि हरी खाद जो होती है इसके बारे में, तो देखो मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए हरी फसलों को खेत में जोतना एक सामान्य और प्राचीन व्यवहार है। प्राचीन ग्रंथों के अंदर भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे रोमन लोग थे वो सैन, लुपिन, मूंग, मोठ, इनका प्रयोग जो है किया करते थे। जर्मनी के वैज्ञानिक सूटी से लिफिट्स ने सन 1880 में लुवार मिट्टी में लुपिन के उगाने से मिट्टी के सुधार के साथ साथ उपजाऊ शक्ति में वृद्धि देखी थी। इस प्रकार से इसका प्राचीन समय से उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, एक सामान्य सा पर्चे इसके बारे में लेते हैं। यहाँ पर हरी खाद, हरी खाद के बारे में बात करते हैं तो देखिए हरी खाद जो है इसका प्रचलन प्राचीन समय से ही देखने को मिलता है, यानी कि मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए हरी फसलों को जोतकर खेत में मिलाने की प्रक्रिया, मिलाने की प्रक्रिया प्राचीन समय से ही प्रचलित है। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं रोमन लोग, रोमन लोग सेल रूपी, रोमन लोग जर्मनी के
वैज्ञानिक सुंडी से ल्यूफिट्स ने 1880 में लुवार मिट्टी में लुपिन उगाने से मृदा में सुधार के साथ साथ सुधार के साथ साथ मृदा में सुधार के साथ साथ उपजाऊ शक्ति में भी वृद्धि देखी। ठीक है, तो इस प्रकार से आजकल विश्व के अनेक भागों में इसका प्रयोग जो है वो मृदा की भौतिक स्थिति को सुधारने, उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से देखो प्राचीन समय से इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब बात करें अपन इसकी परिभाषा की, हरी खाद की परिभाषा हम क्या देंगे, तो देखो अविच्छेदित हरे पादप अवशेष या पौधों को मृदा की भौतिक दशा सुधारने, मृदा की उर्वरता उन्नत करने, मृदा में जोतना या दबाना हरी खाद देना कहलाता है। यानी कि अविच्छेदित हरे पौधों या अवशेषों को मृदा की उर्वरता बढ़ाने, अवशेषों को मृदा की उर्वरता बढ़ाने एवं भौतिक दशा को सुधारने हेतु एवं भौतिक दशा को सुधारने हेतु मृदा में जोतना अथवा दबाना हरी खाद देना कहलाता है। हरी खाद देना कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो भी अविच्छेदित पदार्थ के पादपों के अवशेष हैं, इन पादपों को मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, मृदा के भौतिक दशा को सुधारने के लिए खेत के अंदर जोत दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलेंगे हरी खाद देना, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है अपना हरी खाद देना। ठीक है, चलो तो परिभाषा की भी बात हो चुकी है, अब आगे बात करते हैं अपने यहां पर। तो हरी खाद देने की विधियां, हेडिंग है हरी खाद देने की विधियां। हरी खाद देने की विधियां, अब देखो हरी खाद देने की विधियां जो होती है, ये मृदा के प्रकार, हरी खाद की फसल की प्रकृति, जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, जो अपन को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो मृदा प्रकार
फसल की प्रकृति की प्रकृति तथा जलवायु के अनुसार हरी खाद की निम्न विधियां प्रयुक्त की जाती है ठीक है। कौन कौन सी विधियां हैं देखो, तो पहली विधि आती है यहां पर और वो है हरी खाद देने की सीटू विधि। हरी खाद देने की सीटू विधि। और दूसरी पर बात करते हैं तो हरी पत्तियों से हरी खाद, हरी पत्तियों से हरी खाद, हरी पत्तियों से हरी खाद ठीक है। तो इन दो विधियों से अपन जो है हरी खाद मृदा में देते हैं। अब क्या होती है ये विधियां, इनको एक एक करके पढ़ते हैं तो याद रखने की बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हरी खाद मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हरी फसलों को जोतकर खेत में मिलाने की प्रक्रिया प्राचीन समय से ही प्रचलित है, प्राचीन समय से ही चली आ रही है। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। रोमन लोग सेन, लुपिन, मूंग, मोठ आदि का प्रयोग जो है इस प्रकार से मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्राचीन समय से करते हुए आ रहे हैं। आगे बात करते हैं तो जर्मनी में एक वैज्ञानिक हुए हैं सुल्टी से लिफिट्स, इन्होंने 1880 में लुआर मिट्टी के अंदर लुपिन उगाने से मृदा में सुधार देखा और सुधार के साथ साथ इन्होंने उपजाऊ शक्ति में भी वृद्धि इन्होंने देखी। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न भागों में इस हरी खाद का प्रयोग किस रूप में करते हैं, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, भौतिक दशा को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। परिभाषा यदि पूछी जाए तो ध्यान रखेंगे अविच्छेदित हरे पौधों, अविच्छेदित हरे पौधों मतलब जो अनअपघटित यानी कि जो पूरी तरह से अपघटित नहीं हुए हैं, अब जो जिनका अपघटन नहीं हुआ है वो हरे पौधे और उनके जो अवशेष होते हैं, इन अवशेषों को मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए एवं भौतिक दशा को सुधारने के लिए मृदा में जोत देना अथवा दवा देना ही हरी खाद देना कहलाता है ठीक है। यानी कि पौधों को क्या करेंगे अपन जमीन के अंदर उगाएंगे और जैसे वो थोड़ी सी वृद्धि कर जाएंगे तो उनको अपन जोत कर खेत में मिला देते हैं, ये क्या कहलाता है हरी खाद देना कहलाता है। हरी खाद देने की विधियों के बारे में बात करते हैं तो मृदा के प्रकार के आधार पर, हरी खाद की फसल की प्रकृति के आधार पर और जलवायु के आधार पर हरी खाद की निम्न विधियां काम ली जाती है। बस दो ही विधियां हैं, हरी खाद देने की सीटू विधि और हरी पत्तियों से हरी खाद ठीक है। इन दो के बारे में यहाँ पर बात करने वाले विस्तार से, तो यहाँ तक काम उनका बिल्कुल कम्प्लीट हो गया होगा ठीक है। साथ के साथ आप लोग नोट्स जरूर बना दे रहे ठीक है, ताकि आपको आगे भी पढ़ने में कोई परेशानी ना हो ठीक है। तो इस प्रकार से हरी खाद के बारे में सामान्य सी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। अब कौन कौन सी विधियां किस किस प्रकार से काम में ली जाती है इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ठीक है। तो ये जो अपन विषय वस्तु यहाँ पर पढ़ रहे हैं इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको हो, कोई भी दिक्कत आपको इससे समझने में संबंधित आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि आप लोगों के जो भी दिमाग में क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मैं अच्छे से सोल्व कर पाऊं ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं ठीक है। चलो तो ये बात करते हैं हरी खाद से संबंधित। अब बात करते हैं अपन हरी खाद देने की सीटू विधि। सबसे पहली विधि की बात करेंगे हरी खाद देने की
सीटू विधि हरी खाद देने की सीटू विधि। अब देखो हरी खाद देने की सीटू विधि की अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हरी खाद की फसल को खेत में फूल आने से पहले ही या बाद में इसको खड़ी फसल को ही उस खेत में पलटने वाले हल की सहायता से जोत दिया जाता है और इस प्रकार जो होता है हरी खाद का निर्माण होगा उसे बोला जाएगा सीटू विधि। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले जो भी हरी खाद की जो फसल होती है ना, जैसे ढेंचा होता है इसका नहीं होती है, इस प्रकार की जो भी फसल होती है उसको खेत के अंदर उगाया जाता है, ठीक है। अब उस फसल को या तो फूल आने से पहले या फूल आने के बाद तक अपन उसको उगाएंगे। जब वो बड़ी हो जाएगी पूरी तरह से अच्छी वृद्धि उसने कर ली है फूल आने तक या उसके बाद तक, तो फिर अपन क्या करेंगे कि जो पलटने वाला हल होता है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे उसको उसी खेत के अंदर जोत देते हैं। जब वो फसल है वो जब जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर दब जाएगी तो उसके सड़ने से जो खाद तैयार होगी वही क्या होगी, हरी खाद विधि होती है और इसे अपन सीटू विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपन सीटू विधि भी यहां पर कहते हैं। तो देखो इस विधि के अंतर्गत हरी खाद की फसल को फूल आने से पहले या बाद तक उगाया जाता है, ठीक है। फूल आने से पहले तक या बाद तक उगाया जाता है। उसी खेत में पलटने वाले हल थोड़ा सा यहां पर मैं करेक्शन कर देता हूं, मिट्टी पलटने वाले हल, ठीक है, मिट्टी पलटने वाले हल से दबा दिया जाता है। इसमें ढेंचा ग्वार सनई लोबिया आदि फसलों को प्रयुक्त करते हैं ये तो होगी पहली विधि। इसके बाद दूसरी विधि की बात करते हैं तो हरी पत्तियों से हरी खाद, ठीक है।
अब देखो इस विधि में क्या किया जाता है कि इसमें जो है ना पेड़ जो होते हैं, देखो क्या होता है कुछ जगहों पर पानी की कमी होती है और पानी की कमी होने के कारण वहां पर दो दो बार फसलें उगाने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है और इस कारण वहां पर ये हरी खाद का प्रयोग अपन नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जिस स्थान पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है उस स्थान पर हरी खाद की फसलों को उगाया जाता है और फिर वहां से उन पौधों को काटकर उनकी पत्तियों को तोड़कर अपन क्या करेंगे उन पत्तियों को किसी दूसरी जगह पर ले जाकर वहां पर उनका हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये जो विधि होती है ये हरी पत्तियों से हरी खाद की विधि कहलाती है। ठीक है, चलो फोर्स में ले जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत हरी खाद की फसलों को एक खेत में उगाकर दूसरी जगह मिट्टी में दबाया जाता है, अथवा पेड़ों की शाखाएं व हरी पत्तियां एकत्रित करके खेत में दबाई जाती है। ठीक है, यानी कि अपन पौधों को भी दबा सकते हैं अथवा पौधों की शाखाओं व पत्तियों को दबाया जाता है, पत्तियों को दबाया जाता है। ठीक है, यह विधि ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है जहां जल का अभाव होता है। यह विधि प्रायः ऐसे क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है जहां जल का अभाव होता है, ठीक है। तो जहां पर जल की कमी होती है वहां पर इस विधि को अपन प्रयोग में लेते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये थी अपनी हरी खाद और उसके निर्माण की दो विधियां। आशा करता हूं आपको